फ्रेंड्स, दिस इज़ JK एंड आज मैं काफ़ी एक ऑसम जगह में हूँ। दिस इज़ ग्रैंड टर्क, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। एंड मेरे पीछे आप बीच देख सकते हैं, कितना सुंदर बीच है। यहाँ पे एक वेल का मूर्ति बना हुआ है, बैलिन वेल एक्चुअली। सो आई डोंट नो मैं टोपी में अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं, बट खरीदा था तो पहन लिया। बैठने के लिए काफ़ी कोजी जगह है, वहाँ पे शैक्स वगैरह हैं एंड छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आप चिल आउट कर सकते हैं, कैरेबियन फूड खा सकते हैं, बियर पी सकते हैं। दैट्स इट, समुंदर किनारे। तो यहाँ एक ब्रिज जैसा कुछ बना हुआ है, मैं सोचा एंड तक जाऊँ लेकिन अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे शार्क्स भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, शार्क स्टिंगरे कुछ भी हो सकता है। मैं तो बस किनारे किनारे घूमने वाला हूँ, थोड़ी देर में पानी में डुबकी लगाऊंगा, देखते हैं कैसा लगता है। ये नज़ारा देख लीजिए, बस बहुत सही है। जगह तो काफ़ी अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं पेड़ का छांव ढूंढ रहा हूँ, कहीं छांव हो तो वहाँ बैठूँ थोड़ा आराम से। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब है। ये जगह काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अपोलो का एक टुकड़ा गिरा था, अपोलो जो कि एक स्पेस शटल था, US द्वारा बनाया गया था। एंड आपको दिखाता हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, यही आपको दिखाने वाला था। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है अपोलो का एक टुकड़ा, अपोलो स्पेस शटल, देख सकते हैं मेरे पीछे। तो ये ओरिजिनल वाला है, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ गिरा था तो इसे एक आर्टिफैक्ट की तरह सजा दिया गया है। लोग आते हैं यहाँ, देखते हैं, अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। यहाँ देख सकते हैं पूरी तरह से स्टोरी लिखा है John H. Glenn के बारे में। एंड ये सारे जो फेमस एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने Mercury 7 में यात्रा की थी, उनके बारे में है। यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट का स्टैचू भी बना हुआ है, काफ़ी कूल है, देख सकते हैं। ओह ये वेरी नाइस। ये सारी चीज़ें नासा की हैं, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, ज़रूर आना चाहिए। ये दिस इज़ ग्रैंड टर्क आइलैंड। अगर आपको सुवीनियर वगैरह इकट्ठा करने का शौक है तो शॉप्स भी हैं, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, सुवीनियर्स खरीद सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ज़्यादा महंगे भी नहीं है, चीप ही है सब, $10-$20 के अंदर ही है। सो अभी मैं दूसरे छोर में जा रहा हूँ, बीच का दो पार्ट है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो अभी राइट साइड में चलते हैं, क्या नज़ारा है देखते हैं। वहाँ पे पानी में नहाना है यार मुझे, लेकिन मैं फ़ोटो कौन खींच देगा। मैं अभी बीच में उतर रहा हूँ, समुंदर, नीला समंदर, बहुत ज़्यादा धूप है यार, बहुत ही ज़्यादा धूप है। ये बीच के पास स्विमिंग पूल भी है, ये शायद प्राइवेट स्विमिंग पूल है लेकिन लाउड है, यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत सही है यार, बहुत सही है। मन तो कर रहा है यहीं रह जाऊँ भाई। आज मैं धूप से बुरी तरह टैन होने वाला हूँ, हालत ख़राब है लेकिन एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। सही में बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, वो बहुत बड़ी बात है। कहीं पे भी आपको मतलब कूड़ा या फिर कुछ ख़राब नहीं मिलेगा, वेल मेंटेन्ड है। एंड दिस इज़ ग्रैंड टर्क। अब मुझे पता चला लोगों को क्यों पसंद है ये जगह,
बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद है एंड इट्स वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट ऑफ एवरी क्रूजर्स. इट्स रियली अमेजिंग. सो मैं कपड़े भी उतार चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. लेकिन अभी डिपार्चर का टाइम आ गया है, अभी वापस जाना है. लेकिन जाने से पहले आखिरी नज़ारा. आई लव ग्रैंड टर्क मैन, आई लव ग्रैंड टर्क. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, ऑसम. तो एक लाख ए लास्ट डुबकी लगा लेते हैं. हियर वी गो.